ढेर लग गया यार। वो उनको जो है ना बेलिबास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो और बाकी सबके कपड़े सपड़े सब कुछ उड़ता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने वाला हूं, इसके लिए मुझे कई सारे दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी, तो महाभारत में से द्रौपदी के सीन पे आज हम लोग रिएक्ट करेंगे। तो चलिए चल के वीडियो देखते हैं और उसके बाद में फिर हम इस पर बात करेंगे। तो लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। ओह गॉड, क्या शॉट है यार, बंदे की इरादे कुछ गलत लग रहे हैं। वो किसी का दुपट्टा खींच रहे हैं, उनके हाथ में कुछ हो रहा है, उस हाथ में कोई रो रहा है जी। ये शॉट, ये द्रौपदी जो है इनके बारे में मुझे बताया था एक दोस्त ने कि ये पांच जो राजाओं की इकलौती रानी थी। वो उसके हाथ पे जोड़े, वो अपने हाथ को खोलने उधर से वो कोई उसका दुपट्टा खींच रहा है, उनकी साड़ी का पल्लू जो है ये। क्या शॉट है यार, मतलब जितना वो कपड़ा वो उनके गिर से हटाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी साइड से, उतना ही कपड़ा ना वो अपने हाथ से उठा रहे हैं, तो और वो द्रौपदी के गिर लिपटता जा रहा है। सही, मतलब दिखाया गया कि कोई इंसान मतलब कहीं दूर रह के भी वो उनको जो है ना बेलिबास करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें और बाकी सबके कपड़े सपड़े सब कुछ उड़ता जा रहा है। ये चीज मतलब एक ये शॉट है, मतलब अपनी इज्जत को बचा रहे हैं, उनको बेलिबास करने के चक्कर में बाकी सबके लिबास उतरते जा रहे हैं। ये चीज, वो जितने ज्यादा खींच रहे और कपड़े का ढेर लग गया यार। आखिर वो बाकी सब मान गए। ये चीज वो थक के गिर गया है। क्या शॉट है यार। हाँ जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को भी पसंद आई होगी। इस वीडियो में मतलब दिखाया गया कि इस सीन के अंदर कि जो चीर हरण है वो द्रौपदी जी को बेलिबास करने की कोशिश कर रहे थे, तो कृष्णा जी ने उनको जो है ना मतलब वहाँ से काफ़ी दूर बैठ के सेव किया और उनको बेलिबास करते करते वहाँ पे जितने लोग तमाशाई जो बन के खड़े हुए थे वो सारे के सारे जो लोग हैं ना वो बेलिबास हो गए, लेकिन कृष्णा जी ने द्रौपदी जी की जो कह लो कि ना उनको बेलिबास नहीं होने दिया। तो इससे कई चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं, मतलब ऐसे इस तरह के जब आप किसी के साथ भी गलत करोगे तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उनको जो है ना वो मदद ज़रूर मिल जाएगी, अगर वो बंदा अपनी जगह पे ठीक होगा तो। मतलब काफ़ी इमोशनल सा सीन था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली किसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक बाकायदगी से पहुँचती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।